सो आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 2.5 का टॉपिक इनफाइनाइट लिमिट्स करने जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत आसान है, यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स की जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो देने के लिए इस टॉपिक को आपकी बुक में डाला गया है। अब यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा जिसमें हमें लिया गया है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, जीरो के ऊपर पॉजिटिव साइन है, 1/3x। तो जब भी कभी लिमिट के साथ जो भी मतलब हमारे पास x टेंड्स टू होगा उसके ऊपर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगी है, तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि वो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट कहलाती है। अब जैसे यहाँ पर अगर ज़ीरो के ऊपर पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि ज़ीरो जो है वो मतलब x जो है वो ज़ीरो से लेके तमाम पॉजिटिव नंबर्स की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है, यानी राइट हैंड की तरफ जा रहा है। तो अब यहाँ पर अगर मैं लिमिट पुट करूँ तो उसको पुट करने का सिंपल तरीका ये होगा, मैं लिख सकती हूँ 1 ओवर, नीचे क्योंकि x नीचे है तो हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव और 3x। अब आपने सिंपली लिमिट पुट करनी है, तो जब आप 3 के साथ x के अंदर जीरो डालेंगे तो ये क्या हो जाएगी टर्म, जीरो, तो ये पूरा नीचे आ जाएगा जीरो, और जीरो क्योंकि पॉजिटिव लिमिट है तो इसके ऊपर आप पॉजिटिव साइन लगा लें। अब देखें कि 1 जो है आपका वो भी पॉजिटिव है और नीचे जो लिमिट है आपकी वो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, इसलिए हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आंसर आ चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसकी थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अब हमें जो लिमिट गिवन है वो लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, ठीक है, यानी हमें लेफ्ट हैंड की लिमिट गिवन है, यानी x जो है वो ज़ीरो से लेके नेगेटिव की तरफ जा रहा है, लेफ्ट हैंड की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं लिमिट पुट करूँ तो सबसे पहले मैं लिख सकती हूँ 5 ओवर, नीचे क्योंकि लिमिट पुट होगी तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो नेगेटिव 2x, ठीक है। अब यहाँ पर हम जब लिमिट पुट करेंगे तो 5 एज इट इज़ आएगा डिनोमिनेटर में, x के अंदर जब आप 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो यहाँ पर आपने लगा दिया नेगेटिव साइन, ठीक है। अब ये 5 जो है वो पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर में जो आपकी लिमिट है वो नेगेटिव है, तो आपको पता है जब भी आप पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करते हैं आपके पास आंसर जो आता है वो नेगेटिव आता है, तो इसलिए ये नेगेटिव इन्फिनिटी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो आई होप कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। फर्दर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर भी अगर मैं लिमिट पुट करूँ तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिख सकते हैं 3 को एज इट इज़ और डिनोमिनेटर में क्योंकि x है तो लिमिट भी कहाँ अप्लाई होगी, हमारे पास डिनोमिनेटर में ही अप्लाई होगी, तो हमने लिमिट को डिनोमिनेटर में पुट कर दिया और x माइनस 2 हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगी तो 3 एज इट इज़ डिनोमिनेटर में ये नेगेटिव 2 है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है बेसिकली, ठीक है, तो 2 माइनस 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 0, और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए हमने यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगा दिया। अब देखें 3 क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में लिमिट मेरे पास नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और अगर नेगेटिव का आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, तो ये आ गया नेगेटिव इन्फिनिटी। सिमिलरली अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्योंकि काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3 ही है तो वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव 8 है और ये जो ऊपर पॉजिटिव है ये हमें बता रहा है कि हमारी जो लिमिट है वो राइट हैंड साइड की लिमिट है। तो यहाँ पर भी सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास न्यूमिरेटर में भी लिमिट अप्लाई होगी और डिनोमिनेटर में भी, तो हम सबसे पहले इनको सेपरेट आउट करके लिख लेंगे फर्स्ट स्टेप में, जो आप खुद से कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको लिमिट अप्लाई करके दिखा रही हूँ, तो जब आप यहाँ पे x की जगह नेगेटिव 8 पुट करोगे तो ये हो जाएगा -16 और डिनोमिनेटर में आपके पास -8 और पॉजिटिव 8 क्या हो जाएगा, आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है, और 0 के ऊपर आप पॉजिटिव साइन लगा दो कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक राइट हैंड साइड की लिमिट थी। अब क्योंकि मेरे पास 16 जो है वो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव और डिनोमिनेटर में जो मेरी लिमिट थी वो पॉजिटिव थी, तो नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव आपके पास हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आंसर में आता है, तो इसलिए हम इसका आंसर हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी आया है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्योंकि बहुत इजी है तो मैंने उसको सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास x की जो वैल्यू है वो गिवन है -5 और जो हमारी लिमिट है वो भी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट गिवन है हमें, तो जब हमने यहाँ पर x के अंदर -5 पुट किया तो हमारे पास -15 आया और डिनोमिनेटर में जब हमने इस 2 को x से जो कि हमारे पास -5 उससे मल्टीप्लाई किया तो -10 आया, तो -10 +10 दोनों का आंसर 0 आया और ये जो नेगेटिव है ये बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए है। अब नेगेटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव का आंसर हमेशा हमारे पास पॉजिटिव आता है, तो इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आया है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सिर्फ और सिर्फ गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 7, ठीक है। यहाँ पर हमें पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं दिया, इसका मतलब होता है कि आप लिमिट को लेफ्ट हैंड साइड से भी चेक करें और राइट हैंड साइड से भी चेक करें। लेकिन अगर हम लिमिट को देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में लिमिट अप्लाई होगी जिसके ऊपर हमारे पास होल का स्क्वायर लगा हुआ है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नेगेटिव इन्फिनिटी हो और उसके ऊपर स्क्वायर हो तब भी उसका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है, और पॉजिटिव इन्फिनिटी हो उसके ऊपर स्क्वायर हो तब भी उसका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी ही आता है। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास जहां पर लिमिट अप्लाई होनी है उसके ऊपर स्क्वायरिंग है, तो इसका आंसर हमेशा हमेशा हमारे पास, और ऊपर भी क्योंकि जो हमारा कांस्टेंट है वो भी पॉजिटिव है, तो अगर यहां पर मैं नेगेटिव इन्फिनिटी भी पुट करती हूं तब भी उसने इसे स्क्वायर की वजह से क्या हो जाना है, पॉजिटिव हो जाना है। तो पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। बट इसको हम फर्दर चेक कर लेते हैं सॉल्व करके, तो हमारे पास 4 एज इट इज आएगा, डिनोमिनेटर में जब आप 7 - 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 0 की स्क्वायरिंग आप कर लें तो 0 का आंसर 0 ही आता है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, जो लिमिट है अगर मैं पॉजिटिव के रिस्पेक्ट से चेक करूँ तो हमारे पास पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव है, उसका आंसर क्या आएगा हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी। और अगर लेट सपोज कि यहाँ पर 0 अगर मैं नेगेटिव साइड से भी अप्लाई करती है लेकिन स्क्वायर की वजह से उसने पॉजिटिव ही हो जाना था, तब भी आंसर मेरे पास सेम इन्फिनिटी ही आता। सो इसके अंदर कोई शक नहीं है कि हमारे पास जब भी स्क्वायरिंग होगी इसके ऊपर लिमिट के ऊपर, तो हमारे पास आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा अनलेस कि हमारे पास कॉन्स्टेंट नेगेटिव ना हो। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं लेट सपोज राइट हैंड साइड लिमिट को चेक करूँ, यानी मैं 0 को राइट हैंड साइड लिमिट लेते हुए चेक करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 तो पॉजिटिव में ही रहेगा क्योंकि एक स्क्वायर है और एक बिना स्क्वायर के है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव 1 जो है ये हमारे पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव ओवर पॉजिटिव का जो आंसर आता है वो हमेशा हमारे पास नेगेटिव आता है, तो इसका आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास 2 पार्ट्स गिवन है, एक के अंदर हमें पॉजिटिव इन्फिनिटी दिया हुआ है, पॉजिटिव 0 यानी राइट हैंड साइड लिमिट गिवन है, और एक के अंदर नेगेटिव 0 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट गिवन है। तो अब यहाँ पे जब आप राइट हैंड साइड लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव होगा, जिसका आंसर हमेशा आपके पास पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्योंकि मेरे पास कांस्टेंट तो पॉजिटिव है लेकिन जो मेरी लिमिट है वो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव ओवर नेगेटिव का आंसर जो आएगा वो आपका नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 के भी हमारे पास 2 पार्ट्स गिवन है जिनमें सेम वही केस है जो क्वेश्चन नंबर 9 में था। देखिए यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड लिमिट गिवन है, तो इसका मतलब कांस्टेंट भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर में लिमिट भी पॉजिटिव है, तो इसलिए आपके पास पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी में ही आएगा। लेकिन अगर हम पार्ट बी को देखें तो यहाँ पर कांस्टेंट तो मेरे पास पॉजिटिव है लेकिन डिनोमिनेटर में जो मुझे लिमिट है वो नेगेटिव गिवन है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, तो इसलिए इसका आंसर नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव ओवर नेगेटिव को जब आप डिवाइड करें तो आंसर हमेशा आपका नेगेटिव में आता है, तो इसलिए इसका आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको सॉल्व करने का हमारे पास तरीकेकार क्या हो सकता है कि यहाँ पर मैं 4 को एज इट इज़ लिखूँ और डिनोमिनेटर में हमें क्योंकि लिमिट अप्लाई करनी है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख दूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब एक्स की पावर 2/5 को मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर की पावर 1/5, ठीक है। तो ये वही बात हो जाएगी x की पावर 2/5। अब देखें क्योंकि x जो है उसको मैंने स्क्वायर कर लिया है, तो भले यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी लूँ मैं या नेगेटिव इन्फिनिटी लूँ, स्क्वायर की वजह से मेरे पास हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब कि मेरे पास कॉन्स्टेंट भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर भी हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसलिए मेरे पास जो आंसर आएगा इन्फिनिटी का, यानी सॉरी जो आंसर आएगा वो हमेशा मेरे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी का ही आंसर आएगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। अब यहाँ पर भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन नंबर 11 ही की तरह है कि आप यहाँ पर इसको x की पावर 2/3 को आप लिख सकते हो 1/x² की पावर 1/3, ठीक है। अब क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है तो भले आप यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी लगाएं, नेगेटिव इन्फिनिटी लगाएं, यानी पॉजिटिव साइड की लिमिट यूज़ करें या नेगेटिव साइड की लिमिट यूज़ करें, आपके पास आंसर हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो इसलिए आपके पास इसका आंसर भी पॉजिटिव इन्फिनिटी ही आएगा। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गए होंगे, इनमें कोई ऐसी कन्फ्यूजिंग चीज़ नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बेस बनवाई जा रही है। आगे के उसमें हम इसके फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के, तो आपको पता चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना क्यों ज़रूरी था। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।